हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जेन्यू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो फाइनली आपकी डिमांड आज की इस वीडियो में पूरी कर दूंगा और आज से ही आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले यूजी के स्टूडेंट, स्पेशली बीएससी के स्टूडेंट की तैयारी आज से शुरू होगी। मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आज का जो पहला वीडियो है वो है साइंस आपके केमिस्ट्री सब्जेक्ट का, बीएससी केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है, बीएससी फर्स्ट ईयर का। और सबसे पहले इनॉर्निक केमिस्ट्री का वीडियो लेके आया हूं। इनॉर्निक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट जो है आपकी आयनिक सॉलिड यानी आयनिक ठोस, जो आपकी पहली यूनिट है, उसका आज खात्मा करके जाऊंगा। आपको 6 नंबर आपकी झोली में डाल के जाऊंगा। तो 6 नंबर इस वीडियो को देखने के बाद पक्के हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 10-12 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इन्हीं में से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 2 में से आपको 1 क्वेश्चन करना होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो देख लो। पहली यूनिट आपकी झोली में, नंबर भी आपकी झोली में। यहां पर आप सभी को बताया कि पैटर्न क्या होने वाला है। 5 यूनिट आपकी आएंगी, 5 यूनिट में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से आपको यहां पर 5 क्वेश्चन करने होंगे। प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन, 2 में से 1 करना है। तो आपको जो इस वीडियो के अंदर आपको मैं 10-12 क्वेश्चन बताने वाला हूं, 10-12 में से इनॉर्निक केमिस्ट्री की पहली यूनिट, बीएससी फर्स्ट ईयर की इनॉर्निक केमिस्ट्री की पहली यूनिट आज खत्म हो जाएगी। ये आप क्वेश्चन कर लो, ये याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, धात्विक बंध की विवेचना कीजिए, इसे समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ इसी का दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का ही, बॉर्न हैवर चक्र पर टिप्पणी कीजिए तथा इसके उपयोग बताइए। मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकता हूं, लेकिन आप कमेंट करें ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर भी चाहिए यानी एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, इसकी व्याख्या भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। मैं अगले वीडियो में आपको विद एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो यहां पर धात्विक बंध की विवेचना करनी है और इसे समझाने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख करना है। साथ में इसी का सेकंड क्वेश्चन है, बॉर्न हैवर चक्र पर टिप्पणी कीजिए तथा इसके उपयोग बताइए। ये क्वेश्चन आपके 4 साल से आ रहा है, मतलब कौन कौन सी साल में आया है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है, 2013 में, 11 में और 2009 में, 4 बार ये आ चुका है। लगा लो इस पर फूल पत्ती, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने के पूरे पूरे चांस है, आने के पूरे पूरे चांस है, ये कन्फर्म आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं। समन्वय संख्या 6 के लिए त्रिज्या अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं ये बताना है। इसके अलावा समन्वय संख्या 6 की त्रिज्या अनुपात क्या होगी इसके बारे में बताना है। ये भी काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2014 में, 13 में, 10 में पूछा गया है, 2021 में भी आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, इसी का सेकंड का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, टिप्पणी लिखनी है। 2014 और 11 में ये भी आ रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक की विलेयता, दूसरा है ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवता। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन है, पहला है आयनिक यौगिक की विलेयता, दूसरा है ध्रुवण क्षमता एवं ध्रुवणता। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन को, टिप्पणी वाले जो क्वेश्चन है, इसमें आप पैराग्राफ में लिखें और अच्छे से, मतलब कि क्वेश्चन को समझाएं, पॉइंटों में लिखने की कोशिश करें और मतलब साफ सुथरा काम करें। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी वाले क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री में ऐसे नहीं आते कि इस पर लेख लिखो, पूरा बड़ा सारा क्वेश्चन नहीं आता, टुकड़ों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन तो बड़े होते हैं लेकिन टुकड़ों में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यह भी 2015 और 12 में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है इसमें आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां, आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां पूछा गया है। इसके अलावा अर्धचालक पूछा गया है, अर्धचालक बहुत इजी है, सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन जर्मेनियम वाला ये क्वेश्चन है। सिलिकॉन जर्मेनियम आपके अर्धचालक होते हैं, आप सभी को बताया, आप 12वीं पास करके आए हैं, अच्छे से आपकी तैयारी होगी। 12th लेवल से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये वाली यूनिट, पहली यूनिट आपकी 12th में से पढ़ी हुई यूनिट है आपकी। तो आयनिक क्रिस्टलों में जालक त्रुटियां और अर्धचालक पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आयनिक यौगिकों की विलेयता की व्याख्या कीजिए तथा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इस बार आने के पूरे पूरे चांस है। आयनिक यौगिकों की विलेयता की व्याख्या कीजिए और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये नहीं आया तो इसे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आ जाएगा।
आयनिक यौगिकों की विलेयता एवं विलयन के ऊर्जा विज्ञान को समझाइए, और समझाने के बाद में इसी में एक और क्वेश्चन जोड़ दिया कि आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो आपके कारक हैं उनको समझाना है। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए, हाइड्रोजन बंद और वांडरवाल बंद। बहुत फेमस क्वेश्चन है हाइड्रोजन बंद वांडरवाल बंद, जब मेरे टाइम पे भी आया था, जब मैं 2013 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे टाइम पे ये क्वेश्चन आया था हाइड्रोजन बॉन्ड और वांडरवाल, और मैं अच्छे से इसको करके आया था। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करें। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्न की व्याख्या कीजिए। यहां पर व्याख्या करनी है फ्रेंकल और सोट की दोष की व्याख्या करनी है, या दोनों में डिफरेंस आप कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, क्षारीय मृदा धातुओं में मैग्नीशियम से बेरियम तक के सल्फेटों की विलेयता का घटता हुआ क्रम बताना है। आपके पास कुछ सल्फेट दिए हुए मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, इनका जो सही क्रम बताना है घटता हुआ क्रम सही क्रम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, निम्न क्लोराइडों के गलनांक का घटता हुआ क्रम सही क्रम बताना है कि सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड का राइट क्रम क्या होगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, 2017 में और 2014 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, बैंड सिद्धांत आपको दिया हुआ है, इसके अलावा आपको लंदन बल दिया हुआ है, इसके अलावा आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनोल तथा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का गलनांक और पैरा नाइट्रोफिनोल से कम होता है, ये आपको रीजन देना है इसका, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा फायंस के नियम लिखो, काफी बार पूछा जाता है, 2 बार पूछा जा चुका है 17-15 में, इस बार आने के पूरे चांस है। क्वेश्चन नंबर 9, जालक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, सोडियम क्लोराइड के 1 मोल क्रिस्टलों की जालक ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो जालक ऊर्जा वाला क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है, 2016 में पूछा जा चुका है यह वाला क्वेश्चन, इस बार आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें, इसमें ए है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक कुचालक एवं अपचालकों के मध्य में विभेद करना है, चालक कुचालक और अपचालकों के मध्य में क्या करना है, विभेद करना है, डिफरेंस करना है। और इसी का क्वेश्चन बी है 10 का, नॉन स्टाइकियोमितीय त्रुटियों की व्याख्या कीजिए, 2016 12 और 10 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री आप पढ़ते आ रहे हो, आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट में 12th क्लास में भी, और आपके फर्स्ट ईयर में भी ये चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और हैं, और इस वीडियो को आपको सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी मैं बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं, जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक हर यूनिट आपके मार्क्स पक्का कर दूंगा। एक पेपर आपके 33 नंबर का होता है, 33 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आप सारे वीडियोस देखोगे, शेयर करोगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाओगे, तो इस वीडियो को ज्यादा प्यार देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 11 का ए, एक आयनिक यौगिक में चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए त्रिज्या अनुपात के मान की गणना करनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी के साथ क्वेश्चन बी 11 का ही बी है, यद्यपि क्षारीय मृदा धातुओं में बाध्यतम एस कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, फिर भी ये विद्युत सुचालक हैं, इसका कारण देना है। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में और 15 में। और आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 ए और बी, ए दे रखा है अर्धचालक पर टिप्पणी करनी है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है अर्धचालक, मेरे टाइम पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बी वाला है आयनिक यौगिकों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो ये आज के वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री इनॉर्निक केमिस्ट्री थी ये, इनॉर्निक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है जो आपके आयनिक ठोस वाली यूनिट है, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने ये 12 क्वेश्चन पढ़ लिए, इनके नोट्स बना लिए। अगर आपको विद एक्सप्लेनेशन चाहिए, आंसर चाहिए, तो मैं अगले वीडियो में आंसर दे दूंगा आपको। इसी के साथ बॉटनी और जूलॉजी के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाला हूं, तो इस वीडियो में जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लाइक कर दें। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।